बल्दौर मार्केट में बीते दिनों अपराधियों ने दिनांक 22/9/2019 को आलोक कुमार भगत उर्फ डब्लू भगत को जान से मारने की नियति से बीते दिन एक साफ शूटर आलोक कुमार भगत को दुकान पर कनपट्टी पर हथियार से गोली चला दिया, लेकिन गोली मिस फायर हो गई और उनकी जान तो बच गई थी। किसी तरह दुकानदारों की मदद से शार्प शूटर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कल बल्दौर थाना और मोरकाही थाना मारर के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक और अभियुक्त अशोक कुमार भगत उर्फ पवन भगत 38 वर्ष पिता जहूरी भगत साकिन सबलपुर मोरकाही से गिरफ्तार कर बल्दौर थाना लाया गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में खगड़िया भेज दिया गया। प्रारंभिक गोलीकांड के 3 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 अभियुक्त अभी तक फरार। आलोक कुमार भगत उर्फ डब्लू भगत पिता गोपाल भगत बताते हैं। राजकुमार सिंह पिता उमेश सिंह छोटी पसराहा के हैं, अभी फरार हैं। आलोक कुमार भगत बताते हैं कि कुछ दिन पहले मेरी साली की शादी अशोक कुमार भगत पिता जहूरी भगत से 3 महीने पहले हुई थी। बताया जाता है कि दोनों की आपसी संबंध ठीक नहीं थे। जब हम लोग अपनी साली को लेने सबलपुर मोरकाही गए, इसी बात को लेकर सारू ने जान से मारने की धमकी दिया। 3 महीने के बाद मेरे साथ यह घटना घट गई। 22/9 को जो ये घटना आपके साथ हुई थी, दुकान पर आके अपराधी ने आपको जान से मारने का साजिश रचा, इसके पीछे एक और अपराधी वो पकड़ा गया, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? इनके बारे में तो ये मेरे रिलेशन में सारू लगते हैं और इन्होंने हमको जो है धमकी दिया गया, मतलब कुछ आपसी मतभेद के कारण जो है ना हमको धमकी दिया गया था कि हम कुछ भी करवा सकते हैं। राजकुमार सिंह छोटी पसराह का है और सुमन कुमार सिंह छोटी पसराह का है। दूसरा तीसरा अशोक कुमार भगत और पवन जी आपका सारू है जी, इन्हीं के द्वारा धमकी की थी। हाँ, इन्हीं के द्वारा धमकी दिया गया था। इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी? ये बेलदौर थाना और मोरकाही थाना दोनों मिलके जो है इनको गिरफ्तारी किया गया और उसके बाद जो है मोरकाही थाना में लाया गया, मोरकाही थाना से यहाँ लाया गया।